तो गाइस मैंने माइनक्राफ्ट में घर बनाया था गाइस, और उस घर के अंदर मैंने एक सीक्रेट हिडन स्टोरेज बनाया था। वैसे भी वो स्टोरेज बहुत ही अच्छा था, और तो मैं सोचा क्यों ना उस स्टोरेज का मैं एक ट्यूटोरियल दे दूं। आप यहां पर देख सकते हो वो स्टोरेज सिस्टम कैसा था गाइस। पर गाइस आपको वीडियो देखना है तो उस घर के बारे में तो ऊपर एक आई कार्ड फ्लैश होता होगा, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। पर गाइस ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं पकाता हूँ, मैं सीधा वीडियो पर चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ डबल पिस्टन रेड एक्सटेंड लगा है, और यहाँ पर जब मैं लीवर खींचूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शुकल बॉक्स हाइड किया हुआ है। वैसे भी ये गाइस शुकल बॉक्स पर ही सिर्फ काम करता है, वैसे भी और चीज़ों पर काम कर नहीं रहा था। चेस्ट लगा के देखा था वो काम नहीं हो रहा था। और गाइस पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर पूरा ग्लास से वो लगा हुआ है, मतलब ग्लास से रेस्टोन डस्ट से पावर आउटपुट ज़्यादा है। तो गाइस ट्यूटोरियल पर चलते हैं। गाइस यहाँ पे शुरू करने के लिए सबसे पहले दो स्टिकी पिस्टन एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगा दे रहा हूँ गाइस, और नीचे वाले के लिए यहाँ पर मैं एक रिपीटर लगा दे रहा हूँ और उसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दे रहा हूँ। गाइस ये हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे वाले के तरफ दो बार टैप कर दे रहा हूँ, मतलब 3 टिक्स डिले पे डाल दे रहा हूँ उसको, और ये साइड पर मैं एक सॉरी ये लगा दे रहा हूँ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के आगे एक ब्लॉक लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ डिज़ाइन में मैं ब्लॉक्स लगा दिया हूँ, और यहाँ पर मैं एक रिपीटर लगा के और वो साइड ऑब्जर्वर से कनेक्टेड वाला ब्लॉक से एक उसके ऊपर रेस्टोन डॉट रख दे रहा हूँ। ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं ग्लास लगा दे रहा हूँ ये साइड मार्किंग के लिए, और उसके ऊपर भी ऐसे ही ग्लास लगा दे रहा हूँ, और नीचे की तरफ ऐसा एक जिगजैग करके ऐसा ग्लास लगा दे रहा हूँ। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर भी मतलब कि ग्लास जितना आप ऊंचाई पे कर सकते हो, पर ये 9 ब्लॉक्स के ऊपर हो नहीं सकता गाइस। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगाना शुरू कर दे रहा हूँ ग्लास के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो रेडस्टोन डस्ट एकदम प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर से होते जा रहा है। और ये हो जाने के बाद मैं ये साइड पर आके उस ग्लास के ऊपर एक ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लॉक लगाने के बाद उससे लीवर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पर डबल पिस्टन एक्सटेंडेड काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं उसके ऊपर स्लाइम ब्लॉक्स लगा दे रहा हूँ ये साइड पे प्रॉपरली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंट्रैक्ट सॉरी ये सब्ट्रैक्ट और ये कैसे ये एक्सटेंड हो रहा है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद उसके ऊपर एक बार लास्ट में फ्लोर जैसा फ्लोर के लिए लास्ट फिनिशिंग के लिए ब्लॉक्स लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो उसके आजू बाजू भी ऐसा ब्लॉक्स लगा दे रहा हूँ, मतलब कि प्रॉपरली एक डिज़ाइन बन जाए शोकल बॉक्स हाइड करने के लिए। तो गाइस ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं देख एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे शोकल बॉक्स आएंगे चारों ओर। और ये साइड हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक और लास्ट प्रोसेस कर लिया, वो है ऑब्सीडियन का, जिसके ऊपर आप शोकल बॉक्स स्टैंड करेंगे। चाहे तो आप कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ऑब्सीडियन बहुत रेयर आइटम है अगर आप सर्वाइवल मोड में बना रहे हो, पर ये चीज़ सिक्योरिटी देता है इस चीज़ को। जो भी है गैस ये हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्सीडियन से पूरा ऐसा भी लगा दिया हूँ नीचे की तरफ। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर लास्ट प्रोसेस कर लिया, वो है शोकल बॉक्स से लगा देने का काम। तो गैस यहाँ पर शोकल बॉक्स लगाने के लिए यहाँ पर मैं ये आजू बाजू सपोर्टिंग ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे गैस, और यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्टिंग ब्लॉक्स एक्चुअली लगा कैसे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा दो दो ब्लॉक्स एक्चुअली लगा दे रहा हूँ जहाँ पे खाली स्पेस है गैस, और भी चारों ओर लगा दे रहा हूँ, ये साइड पर भी लगा देता हूँ गैस। और ये साइड पर आके जो रेस्टोन डस्ट लगाया था उसको एक बार तोड़ के वहाँ पर ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, और अंदर की तरफ आके यहाँ पर मैं शोकल बॉक्स यहाँ आजू बाजू वो सपोर्टिंग ब्लॉक से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और गैस यहाँ पर भी देख सकते हो ये पूरा हो चुका है, और ये साइड पर आके जरा मैं स्टोन डस्ट वापस वापस के जगह पे लगा दे रहा हूँ, और ये सपोर्टिंग ब्लॉक्स वापस से तोड़ दे रहा हूँ। और गाइस ये सब तोड़ देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट ही कंप्लीट होने ही आ गया। एक बार मैं चेक कर लूँ अंदर जाके सारे ब्लॉक्स काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि काम ही कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।